सारे पता ही है कि करतारपुर साहब गुरुद्वारा जिहड़ा गुरु नानक पातशाह जी दे जिहड़ा जिंदगी दे जिहड़े अखीरले 18 साल उन्होंने गुजारे करतारपुर साहब वो इंडिया दे बॉर्डर तो बिल्कुल नजदीक सी ते बड़े लंबे टाइम तो यह डिमांड सी संगतां दी कि यह करतारपुर साहब का लांघा जिहड़ा खुलना चाहिए बिना वीजे तो जिहड़ा करतारपुर साहब जाने की इजाजत होनी चाहिए है। यह बड़ी खुशी की गल है कि गुरु नानक पातशाह के 550 साल करतारपुर साहब का लांघा खोलिया गया सी ते संगतां उत्थे जा रही ने ते संत बाबा सुखा सिंह जी की अगुवाई विच पिछली जुलाई विच असीं गुरु नानक सद्भावना यात्रा शुरू कीती सी जिस यात्रा विच असीं गुरु नानक साहब के चार उदासियां दे मार्ग ते जिहड़े गुरु पातशाह दे स्थान सन पाकिस्तान इंडिया नेपाल बंगलादेश श्रीलंका गुरु पातशाह दे स्थानां ते गए सां और सारी जगह जाके गुरु साहब के स्थानां दे दर्शन भी किए सन ते रस्ते विच काफ़ी पेड़ भी लगाए गए सन पर हर बूटे दे विच ननकाना साहब की मिट्टी के पंजा साहब का जल पाया गया सी नाल ही गुरु नानक पातशाह जी के सारे स्थानों की मिट्टी के जल वापस इकट्ठा किया गया सी ते अज जो जिहड़ी गुरु नानक सद्भावना यात्रा जुलाई में शुरू हुई सी उहदा विधिवत समापन भी हो रहा है संगतां करतारपुर साहब के दर्शन करन भी जा रही ने ते जिवें असीं उदों दस्सिया सी जिहड़े गुरु पातशाह के सारे स्थानों की जल ते मिट्टी है उहदे नाल दो बूटे जिहड़े ने लगाए जाणगे रादर तीन बूटे लगाए जाणगे एक करतारपुर साहब एक डेरा बाबा नानक एक सुल्तानपुर लोधी तीन बूटे लगाए जाणगे ते तिन्हां बूटियां दे विच गुरु पातशाह दे सारे स्थानां दे जल ते मिट्टी पाई जाएगी मनुखी एकता भाईचारे दे प्रतीक दे रूप विच ताकि जो भी अष्टम वाद विवाद लड़ाइयां झगड़े चल ने गुरु साहब कृपा करन ते खत्म होण भाईचारा वधे प्यार वधे लोकां दे विच ते गुरु नानक सद्भावना यात्रा दा इस समय नूं समापन भी हो रहा है ते श्रोमणी गतका फैडरेशन आफ इंडिया वल्लों ओह यात्रा गुरु साहब कृपा करके संपूर्ण करवा रहे ने गुरु साहब दी कृपा नाल ही जिहड़ी है इह यात्रा जिहड़ी है शुरू कितने लोग जा रहे हैं करीब 300 के लोग है जी 225 के करीब करीब करनाल तो जा रहे हैं करीब 70 बंदे रस्ते पंजाब तो जिहड़े ने ओह रस्ते रलणगे साडे नाल राजपुरे तो सरहंद तो रस्ते साडे नाल रलणगे ते टोटल 300 के करीब जत्था जिहड़ा है जा रहा है मंजी साहब गुरुद्वारे मंजी साहब गुरुद्वारे हुण जाके क्योंकि गुरु नानक पातशाह दा इतिहासक स्थान है गुरु नानक पातशाह इस स्थान ते आए सन तीजी उदासी के दौरान उत्थे अरदास की जाएगी ते अरदास करके यात्रा जिहड़ी रवाना होगी थैंक यू।